Good morning, kids. How are you? I hope you are fit and fine. Welcome to our classroom. बच्चों, अब तक हमने गांधी जी की कलम से नामक पाठ के अंतर्गत गांधी जी की जीवनी पढ़ी, श्रवण कुमार के बारे में पढ़ा और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी भी पढ़ी। पाठ में आए अभ्यास प्रश्न भी हल कर लिए। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पाठ में आए कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्नोत्तर, बच्चों यह प्रश्न और उत्तर आपको अपनी पाठ पुस्तक में लिखना है। बच्चों, आपकी पाठ पुस्तक में यह प्रश्न पहले से ही दिया गया है जिसमें सिर्फ आपको उत्तर लिखना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, गांधी जी के पिता कैसे व्यक्ति थे? आपने तो गांधी जी की जीवनी पढ़ी है ना, तो बताइए कि गांधी जी के पिता कैसे व्यक्ति थे। सही उत्तर है, गांधी जी के पिता साहसी और उदार व्यक्ति थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, गांधी जी की माता कैसे विचारों की महिला थी? बताइए बच्चों, गांधी जी की माता कैसे विचारों की महिला थी? गांधी जी की माता धार्मिक विचारों की महिला थी। इसे आपको अपने पाठ पुस्तक में लाइन के नीचे नीचे सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। हमारा तीसरा प्रश्न है, बचपन में गांधी जी के मन में किनके जैसा बनने की बात आई? बच्चों बताइए, गांधी जी किसकी तरह बनना चाहते थे? गांधी जी श्रवण कुमार की तरह बनना चाहते थे। तो इसे आप अपने पाठ पुस्तक में लिखेंगे। हमारा चौथा प्रश्न है, कौन सी बात गांधी जी के मन में बैठ गई? बच्चों आप बताइए कि कौन सी बात गांधी जी के मन में बैठ गई थी? जब गांधी जी ने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाटक देखा तब गांधी जी के मन में यह बात बैठ गई कि सभी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की तरह बने। तो सही उत्तर है, गांधी जी के मन में यह बात बैठ गई कि सभी हरिश्चंद्र की तरह बने। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी किस भूल की सजा जीवन भर महसूस कर रहे थे? तो सही उत्तर है, अक्षर ना सुधारने का प्रयत्न, इसकी सजा जीवन भर महसूस किया। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने इसे अपने पाठ पुस्तक में अवश्य लिख लिया होगा। नाउ प्रैक्टिस टाइम। बच्चों, आपको अपनी पाठ पुस्तक की पेज नंबर 112 पर दिया गया अभ्यास कार्य स्वयं से हल करना है। सुलेख, सत्य की हमेशा जीत होती है। बच्चों, इसे भी अपनी पाठ पुस्तक में 113 पेज पर लिखना है। आपकी पाठ पुस्तक में 113 पेज पर यह दिया गया है। बच्चों, सत्य की हमेशा जीत होती है, इसे आपको सुंदर अक्षरों में 3 बार लिखना है। बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।